अभी हम 7:30 बजे हैं और अब पहुंच गए हैं आबू, और हमारे साथ है ट्रैकर मुकेश भाई जो हमको ले जाने वाले हैं ट्रेल पर। तो मुकेश भाई, अभी कौन सा ट्रेल हम एक्सप्लोर करने वाले हैं? अभी हम लोग जो ट्रेल एक्सप्लोर करने वाले, इसका नाम है टाइगर पाथ। टाइगर पाथ, ओके। से हम लोग जाएंगे गोल्डन हॉर्न करके, ठीक है। हाँ, जब भी आप माउंट आबू वाइल्ड लाइफ में जाए, ओके, नेचर गाइड जरूर रखे। हाँ, उसके अलावा ये भी, जब भी हम फॉरेस्ट में जाते हैं तो फॉरेस्ट से आप परमिशन लेके जरूर जाइए, ठीक है। विदाउट परमिशन कभी मत जाइए, अकेले मत जाइए, ठीक है। कभी भी अकेले जाने से क्या होगा, आपके साथ हादसा हो सकता है, लूटपाट हो सकती है या एनिमल अटैक हो सकता है। तो आप जब भी जाए तो एक डिपार्टमेंट से परमिशन लिए लोकल आदमी या लोकल गाइड जरूर रखें। ओके, 13 टाइप्स ऑफ माउंट आबू में ट्रैक्स है, वन ऑफ उनमें से एक जो है ये वाला ट्रेल टाइगर पाथ करके। ओके, और ये कितने किलोमीटर का है? सर ये 5 किलोमीटर है। कितना टाइम लगेगा हमें रिटर्न आने में? सर 3 आवर लगेंगे। 3 आवर्स। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। चलो, ये रहा टाइगर पाथ, उसका नाम ये है स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, लिमड़ी कोटी पे गए लास्ट टाइम हम, लिमड़ी कोटी। 13 ट्रैक है, तो हाँ। उसके कौन कौन से आपको नाम पता है थोड़े बहुत? सर एक तो टाइगर पाथ हो गया, ठीक है, लिमड़ी कोटी हो गया, ठीक है, बिमाली हो गया, उतरच हो गया, शेरगा हो गया, अंजनी माता हो गया, सतका जी हो गया, और गौतम ऋषि हो गया सर। ओके, वैलीज वॉक हो गया, मनकेश्वर हो गया, कनकेश्वर हो गया। तो जो ट्रैकर आते हैं तो कौन सा ट्रैक पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, कुछ फेमस हो ऐसा आबू का? तो जैसे लिमड़ी कोटी वाला जो ट्रेल है ना, बिल्कुल बेस्ट है, थ्रिल ट्रेल है पूरा, यानी केविंग आ जाएगा वहाँ पर आपको, भी पॉइंट वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिखती है? हाँ जी सर, जैसे यहाँ पर स्लोथ बियर वगैरह ज़्यादा दिख जाता है, स्लोथ बियर है, लेपर्ड वगैरह है। लेपर्ड सर बहुत कम मूव करता, पर स्लोथ बियर दिख जाता मोस्ट ऑफ। जी जी, यहाँ पर माइल्स ने लिया है, क्या है ये? बात कर लीजिए इसको, मेरे को करमडा कोरमडा। हाँ, कोरमडा रूट है यहाँ माउंट आबू का। ये फ्रूट यानी एकदम हाइजीनिक फ्रूट है। ओके, इसको इंसान भी खा सकते हैं, एनिमल्स भी खा सकते हैं। हाँ, भालू का फेवरेट फ्रूट है ये वाला। ओके, लाइक ये डिफरेंट डिफरेंट रहता है सर, इसमें मीठा भी रहेगा, थोड़ा खट्टा भी रहेगा। बोलो सीड्स में खा भी सकते हो, फेंक भी सकते हो। अच्छा, ये फालसा अभी कच्चा है, अब जाएगा ना रेटेड हो जाएगा। ये रे फालसा, हाँ ये फालसे का पेड़ है, ए भाव वो अलग है। हाँ हाँ, गुंडा गुंडा। सामने है छोटा मैंगो ट्री, माउंटेन दिख रहा है ना आपको? हाँ, सारे वॉल्केनिक रॉक है सर ये। ओके, और इनमें जो ये होल्स देख रहे हैं, ये होल्स सर वेदरिंग इफेक्ट से हुआ है, इरोशन से हुआ है। हाँ, सो ये है हमारे रास्ते ट्रैकिंग पे जाने के। अभी तो शुरू हुई है, 5 दिन पहले बारिश हुई थी, तो यहाँ पर है जामुन। ट्रैकिंग के लिए अभी हम जा रहे हैं, शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। क्या कलेक्ट किया माइल्स तुमने? ये क्या है? थोड़ा करना है, फालसा है? फालसा नहीं, करंदा ही है। करंदा ही है, पर फालसे जैसे भी नहीं। और जो वुड पिकर बर्ड्स आता है ना, हाँ हाँ हाँ, अपना नेस्ट बनाने के लिए ऐसे पेड़ों में, सॉफ्ट पेड़ों में होल करता है, ठीक है, वुड पिकर। हाँ, और जो ये पेड़, इसका नाम है गड़ा गड़ा फलास। करंदा को टेस्ट करते है, कैसा टेस्ट है? पक्का वाला नहीं तो सुपर लागे, अच्छा है। गिर खाई है मैंने, कहीं ना खाए, सॉफ्ट टच थे। नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो पानी की बोतल और लकड़ियाँ ले लिए लड़कियाँ निकल गए था तेरा पहले मेरे मुंह से। बर्ड्स की आवाज और घने जंगल में मशरूम से। यहाँ पर ये क्या है? वाइल्ड मशरूम। हाँ, वाइल्ड मशरूम से। ओके, इसको निकालेंगे। हाँ, मशरूम वो खाते। सिखाओ क्या तेरे को? फोटोग्राफी सिखाओ तेरे को? पानी वगैरह रखता है ताकि ना नाइट में, दिन में कभी भी, जब भी एनिमल को पानी वगैरह पीना नहीं था, उसके आस पास यहाँ आ जाते हैं। ओके, तो इसीलिए ये बना रखा है। गोल्डन हॉर्न जाएगा, हम लोग अभी जाएंगे वहाँ पर, एक व्यू पॉइंट है, फॉरेस्ट में बना, वहाँ देख के फिर बस।
इसको गुजराती में पानी के अवाड़े बोलते हैं, पानी के कुंड, कुंड इसको आर्टिफिशियल बनाया जाता है ताकि, और फिलअप भी किया जाता है टाइम टू टाइम ताकि वाइल्ड एनिमल्स को इसमें से पानी मिल सके। और इधर चांसेस ज़्यादा होते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम को वाइल्ड लाइफ देखने के। वो विद्या बालन की मूवी में पता है उसमें आया था एक सीन में, कौन सी मूवी, कॉन्ट्रैक्टर ने वो जो ये फिल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है ना वो फिल टाइम पे नहीं करता होता है तो एनिमल किसी वजह से बाहर पानी पीने के लिए वो ये टैंकर से करवाते हैं, अदरवाइज वो इनसाइड इन द डीप फॉरेस्ट में होता है ना तो वहाँ वो पवन चक्की लगा देते हैं सोलर वाली, तो सोलर से या रिन्यूएबल एनर्जी से वो ग्राउंड से एक्स्ट्रा करके ये फील होता है कि अंदर तो इनसाइड तो कैसे चालू करने जाएंगे, हाँ अंदर तो कोई कनेक्शन होता नहीं है तो गिर में ऐसा किया है और पवन चक्की या वो लगाई हुई है तो उसमें से ऑटोमेटिक पानी आता रहता होता है पानी जैसे ग्रीन मुनिया, बहुत ग्रीन जैसा वो इंडिया में दो तीन जगह ही है, ग्रीन मुनिया, ग्रीन मुनिया हाँ, एक ग्रीन मुनिया, रेड मंडल बिल्कुल है, हाउस पेरो प्रीमिया है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट 240 स्पेसिस बर्ड्स की। ओके ओके, ये देखो यहाँ पर एक बड़ा और सामने हमारा आ गया है एक व्यू पॉइंट, कुछ दिखेगा, चलो जाते हैं ऊपर और देखते हैं कि वहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है। अभी हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट, हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट आ चुका है। सो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो, देखो ये है नज़ारा यहाँ से, हाँ फर्स्ट काफी अभी अच्छा है, वो नीचे डैम दिख रहा है कुछ, हाँ। तालाब है कुछ दूर आप देख सकते, हाँ। हो डैम है वो, चेक डैम बना हुआ। सो अभी हम पहुंच गए हैं व्यू पॉइंट पर और यहाँ से कुछ ऐसा नजर आ रहा है, और जो बीच में जो माउंटेन आपको दिख रहा है यह पलम्बी पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक है उसके आगे वाला, हाँ ये जो पार्ट दिख रहा है बीच में, इसका दूसरा नाम हम बिमाली भी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। रास्ते में हमको मिला है आम, कोई कहते कि हमारे धीरे धीरे आम मिले, भले आम भीड़ता और जिंदगी में ऐसा ही होता है, बीच में ऐसे ऐसे आम मिल जाते तो रुक जाते, मैं गोटले गिनोगे अभी अरे अभी तुम लोग आम देख लो, और ये देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन, यहाँ पर कच्चा आम है और यहाँ पर मुझे मिला है पक्का आम, ये पके हुए सब आपके लिए है, सब आपके लिए है, बस खाली वीडियो देखने के लिए। गम देना प्यार से जो मिले गम देना, जे बोले यार मैं ये कट थे जाऊं, चल ना कुछ करते हैं क्या मेरे के लेंस पे सीधा वार, अभी हम आ गए हैं ये जो ऐसा ट्रैक है जहाँ पर हमें बहुत ही मजा आ रहा है, आप देख सकते हो घने जंगल हमारे पीछे, पहले सफारी भी होती थी, जिप्सी सफारी होती थी और ये रास्ता है अभी देखो, प्रकृति की गोद में हम बैठे ऐसा मुझे फील, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है, आप पीस का अनुभव करिए, कितनी शांति है यहाँ पर, अगर वीडियो देखेंगे ना तो भी आपको मजा आ जाएगा, ऐसे वीडियो देख कर लगेगा कि आप भी जन्नत में हो, यहाँ जो आम के पेड़ आपने कहीं पे नहीं देखे होंगे ऐसे। कौन सी कहावत है, मूर्ख मगर अने मकोड़ो पकड़े ते छोड़े नहीं,
ऐसे गुजराती में कहावत है, तो अभी यहाँ पे एक वो मंकोड़ा घूम रहा था, तो वैसे वो उसको वो अगर वो पकड़ लेता है ना तो उसको वो मर जाता है, उसके बाद ही वो छोड़ता है, उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अब यहाँ से थोड़ा हम जो मेन जिप्सी वाले रास्ते से जा रहे हैं, जो थोड़ा अलग कुछ आ रहा है, तो ऊपर जाएंगे। टाइगर पार्क के, और अभी हम थोड़े डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हैं। सो अब हमारा रियल ट्रैकिंग अभी शुरू हुआ है। अब ये लोग देखो थक चुके हैं, ये देखो घाट जंगलों के बीच में से। डांस जंगल आपने कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही खतरनाक जगह से हम मैन वर्सेस वाइल्ड अभी शूट कर रहे हैं। आप देख सकते हो काफी खतरनाक जगहों से ये बंदे निकल रहे हैं। लग गया मेरे को, ये देखो कितना गहरा चोट आया इनको। और ये है आयुर्वेदिक मलम, कुछ भी बोला गया वो करमदा का मलम। तो गाइस अभी हम ऐसी भयानक जगह पर आ गए हैं, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट कर दिया है और अभी सिर्फ 500 मीटर ही जाना है। बहुत ही खतरनाक ट्रैक है, आपको ऐसा मत बोलो, आप देखो जल्दी आओ, यहाँ से नीचे से होकर जाना है ये रास्ते पर। रुको रुको रुको, बहुत ही खतरनाक ये जो ट्रैक है, बैठ कर आप शांति का अनुभव कर सकते हो। भले पहले 2.5 किलोमीटर आपको तकलीफ हुई, तकलीफ कहाँ हुई है, तकलीफ नहीं हुई पर मजा नहीं आया ऐसा बोल रहे थे, पर वो सिंपल था, पर आगे कुछ अच्छा रास्ता आ रहा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी हिल्स है और इसमें से हम ट्रैक करते जाते हैं, और यहाँ पे पूरे करम दे और जामुन के पेड़ दिख रहे हैं और सब लोग ट्रैक करते हैं, बंदर की तरह रेंगते हुए जा रहे हैं। ट्रिप चढ़ाई और छेक ऊपर जाना है, ऊपर की ओर सीधे जाएंगे वो हॉल है ना उधर। और ये देखो कितने नीचे से हम ऊपर आए, अभी तो शुरुआत हुई है, आसमान में शुरुआत करेंगे। ये कुछ चल के आए तो अब कुछ देख सकते हो कि काफी गहरा जाना है अभी नीचे की ओर। रास्ता देखो, आ जाओ जल्दी नीचे, आओ शांति से, आओ शांति से, आओ शांति से। अभी तो हम ही शेर बन गए। और यहाँ से जाना है, करण 360 भी करना है याद है? हाँ हाँ। और गाइस ये चढ़ के ऊपर जाना है, और यहाँ से अभी वरुण नीचे आ रहा है, ये देखो पीछे ऊपर यहाँ जाती है, छह जग गया, हाथ पकड़ के मत आओ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। करना है थोड़ा क्लाइम करना है। अरे वाह ऊपर, ये देखो ऊपर मैन वर्सेस वाइल्ड को कितनी तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। अभी तो शुरू हुआ है। और हमारे जो ट्रैकर है, मेन ट्रैकर, वो तो पीछे फंस गए, और ये सेकंड कंटेस्टेंट हमारे राधी, आराम से हो, और वो ट्रैकर तो फंस ही चुके हैं जो बोल रहे थे कि चश्मे पहन के सबसे लास्ट में है। तुम्हारे पॉकेट खाली है, पकड़ ली खाली, नीचे लाइन मेरे पॉकेट में नहीं था कुछ। अरे हां बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाथ पकड़ के हमें दे 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 यार, एडवेंचर करेंगे यार मैन, हमें चाहिए वो प्रभु, भरे ही हम मुसीबतों में है, हमें जल्दी जल्दी से ट्रैकिंग करवाइए, स्वामी नारायण प्रभु लेके आए हैं, तो ये प्रभु की माया है जो हम खड्डे में गिर गए।
अक्षय कुमार की तरह, वो सब पिक्चर में अच्छा लगता है। अक्षय कुमार रूबरू में भी नहीं करते स्टंट, तो यहाँ से गए नीचे तो सीधा ऊपर। ये क्या हॉर्न भी हॉर्न ऐसा कुछ था। पहला कुक ने मोकलो अभी ओसम आया। और ये देखो क्लाइंबिंग बहुत ही हार्ड होती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर आए, पूरा ऊपर पर्वत की ओर जाना है और अभी पूरा स्टीप है और स्टीप चढ़ाई है। आप देखो रास्ता, ये देखो कहाँ से हम आए, ये जंगल के रास्ते से और सीधा सीधा ऊपर जाना है। चढ़ने के लिए ही हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पर आके स्मोकिंग मत कीजिए आप, ऐसे तो यहाँ पे आने वाले थे नहीं। हाँ ये देखो अब आने वाले थे नहीं। दो पर्वत के बीच में अब आ गए, अभी कुछ एडवेंचरस लग रहा है। आंधी करण और अब नीचे जाना है। यो कैसा लग रहा है माइल सब यहाँ फूटा पार जो भाई एक पत्थर को जंप करते हुए। और ये देखो नीचे जाना है, पर्वत के बीचों बीच है, हम दो पर्वत के बीचों बीच, आप देख सकते हो काफी छोटी जगह है और हम 24/7 पर्वत की बस्ती में लहरों की मस्ती में। ये देखो हमारे मेन ट्रैकर तो उतर ही गए नीचे, अभी हम जाने वाले पूरा ऊपर टॉप पे। क्या बात कर रहे हो, क्या बोल दी। ये देखो यहाँ से कैसा लग रहा है, सबके नज़ारे बदल गए अब। यहाँ से देखो अब बहुत ही आगे का तो नज़ारा ही कुछ अलग है। सरप्राइज सरप्राइज मिलने वाला है, देखिए जी मैं हूँ यहाँ। मुख रीते उतरीस जैसे सब उतरे वैसे, जो डर गया वो यहाँ पर मर गया। आप देखो नजारा नीचे ही, यहाँ से तो कुछ गजब ही दिख रहा है। भाई के बारे में फोटो खींच लाएंगे। ये देखो जोरदार जगह, नीचे तो जाओ तो सीधा नीचे ऊपर नीचे नहीं, अगर नीचे देखोगे तो सीधा ऊपर जाओगे, नीचे देखोगे नीचे जाओगे तो। सो अभी आप जो माउंटेन की चोटी देख रहे हो उसे डाइविंग बोर्ड कहा जाता है। इस जगह को डाइविंग बोर्ड इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक डाइविंग बोर्ड की तरह ये दिखता है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं और उसके किनारे पर खड़े होते हैं तो हमें दोनों ओर एक गहरी घाटी दिखाई देती है। डाइविंग बोर्ड तक जाने के लिए हमें टाइगर पाथ के साथ ट्रैकिंग करनी पड़ती है और करीब 4-5 किलोमीटर तक घने जंगल में चलने के बाद हम गोल्डन हॉर्न तक पहुंचते हैं। उसके अलावा हम लगभग 10 मिनट तक चलते हैं और हम डाइविंग बोर्ड तक पहुंच जाते हैं। सामने रिपल है जो सबसे पहले डाइविंग बोर्ड की चोटी तक पहुँच चुकी है। अभी हम देखो पहाड़ पे आके फंस गए हैं, ये लोग यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, मैं यहाँ पे फंसा हूँ और 2-3 लोग वहाँ पे, वो डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, अभी हम नहीं पहुँचे। वो लोग जीत का जश्न मना रहे हैं और हम जीत का डबल जीत का जश्न मना रहे हैं क्योंकि हम बच गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो सामने पहाड़ है और यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ खाई है। एक बार जब हम डाइविंग बोर्ड पर पहुंच जाते हैं तो हमारे सामने एक नैरो रास्ता होता है, गहरा और कष्टदायक है और किनारे तक पहुंचने के लिए हमें इससे गुजरना पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद हमारे सामने घाटी का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। चारों लोग सामने खड़े हैं, ये नैरो रास्ते से होकर अभी हमें टोच तक जाना है पर अभी रिपल यहाँ पर सबसे पहले पहुँच गई है तो ये वीडियो उसने शूट किया है। आप देख सकते हो कि पूरा शहर दिखता है और तीनों तरफ खाई है और यहाँ पर विंड का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो ट्रैक पर जाने के लिए पर पर्सन 2 लीटर की बॉटल ज़रूर ले, अपने साथ कैप रखे, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग शूज जरूर पहने। अरे
ये पर्वत पर मैं चोटी तक पहुंच गया था पर थोड़ा मैं मिस कर गया ऐसा बोलना है इनका, पर मैंने अगरा था जो वो क्लियर कर लिया तो काय को नहीं आया। अभी हम डाइविंग बोर्ड तक पहुंच गए और अभी हम फिर से वापस जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाते हो, ट्रैकर को साथ में ज़रूर रखें। એ તો વાહ વાહ પણ આંધી વધારે ફરી લઈને આવે પણ ડિસ્ટન્સ વધારે તો આંધી એટલે ચાલવાનું ડિસ્ટન્સ પહેલા નોર્મલ હતું આવ આવ કરવા રસ્તો બનાવો નીચે ખીણમાં જ તો જે ઋષિ જે ઉપર દે જોઈએ નીચે ચેક જઈને જોઈએ એ નહીં આપણે આવો રસ્તો તો જવા માય ફ્રેન્ડ ચેલેન્જ હા કાવતી હતી રોતી ખતમ કરી હા રિયલ એડવેન્ચર હિમાલય વાર ટ્રેક કરવા જઈએ અરે ઠીક હે उत्तराखंड के ट्रैक पे ही पर हमारा कुछ प्लान नहीं बना बिकॉज ऋषित की एग्जाम की वजह से बाकी हम लोग उत्तराखंड के ट्रैक पे ही जाने 2.5 किलोमीटर तो चलना ही उसमें कुछ नहीं है पर जो है वो 250 किलोमीटर मतलब लास्ट जो है वही है जीवन में। आप पहले ऐसा लगेगा कि मैं इस रास्ते पे क्यों जा रहा हूँ क्या है इसमें, पर आप जब पहुँच जाते हो ऐसा लगा। कभी कभी गलत भी होता है कि डेस्टिनेशन में मजा नहीं है पर डेस्टिनेशन में मजा है। हाँ जर्नी में नहीं ठीक मजा था, जर्नी में मजा नहीं था इस बार ठीक ठीक मजा पर डेस्टिनेशन काफी बढ़िया था। और अभी हम जो आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं और ये देखो हमारा दोस्त पत्थर पे योगासन करता हुआ, योगा डे था तो निंद्रासन का पोज देते हुए। ऋषित को अब क्लियर हो गया कि भगवान स्वामी नारायण यहाँ पे लाए हैं। भाई अभी स्माइल दे रहे हैं, इनकी वहाँ पर फटी लगी पड़ी थी उनकी बैरी को धमका रहे थे और बैरी ने भी उनको घचकाने की कोशिश की तो बैरी ने बाद में अपना रौद्र रूप ये जो वीडियो बना रहे ना ऐसे बुढ़ी 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 दादी फिर भी गई थी आधी तक आधी क्रॉस करके बहुत सारी जानों की जवाब वीरू के कंधे पे है तो वीरू पर रिस्क नहीं ले सकते सामने सरपंच को याद करते हुए वो नहीं आए उधर, बाकी सबके पास तो ठंपला है तो वो तो चलेगा मैंने बोला था आगे जाके सब बदलने वाला है, ये बंदा फटी पड़ी है फिर भी कबूल नहीं कर रहा, कबूल कर लो नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और ये बहादुर है, ये रिस्क लेती है पर इसका कुछ नक्की नहीं है अपनी अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा है। चलो अब ऊपर जाते हैं, परेशानियां कुछ भी कैसे भी आए ना कि तू बद्दा लोगों को ऊपर नहीं जा सकता थे और माइल्स वन ऑफ देम भगवान स्वामी ने आदेश दिया तो जा। ये तो मैं किधेलू ने यार वो तो मैं पहले से भगवान नहीं जय इस वहां का एक्सपीरियंस हमें बताओ आपको वहां पर सबसे पहले पहुंचकर कैसा लगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सब लोग नहीं थे और मैं अकेली थी। नहीं मैं तो आने वाला था, ऋषित पहले डरा था, सोच लिया था सब लोग डांट रहे थे तो मेरी मजा वैसे ही बिगड़ गई। मैं सोच रहा था कि बारी बारी सीखे का आएगा। तो आप गुलाटी आप कितनी बार गिरे हुए भी हो, हमने वीढ़ियो में भी रिकॉर्ड किया हुआ है आपके पूर्व 2.5 किलोमीटर था तो मुझे भी नर्वस कर दिया था। हाँ
2.7 किलोमीटर का जो ट्रैक था उसमें मैं नर्वस हो चुका था कि मैं आपको कहीं ला नहीं सका। नहीं एक्चुअली वार्म अप पार्ट थोड़ा ज्यादा था, क्लाइमेक्स सिर्फ 20% था, तो 80% तो नॉर्मल रूट है। ओके और 80-20 वाला रूल भी काम करता हुआ। तो 20% में जो एडवेंचर है वो आगे का 80 का उससे भी ज्यादा कवर हो जाता है। तो गाइस हार मत मानिए, आखिरी दम तक चलते रहिए, क्या पता आगे आपको कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा मिल जाए। हाँ। क्या होता है कि पानी में जो कलर डालो ना पानी ऐसा बन जाता है। हाँ। और अग्नि में क्या ऐसा होता है, जिसमें जो कलर डालो ना अग्नि उसको अपने जैसा कलर दे देता है। तो पता चल गया डिफरेंस। लेकिन नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है वो पानी जैसा होता है। क्या आवाज है भरी भरी कह रही थे विश्वास है, वहां दरिया में वाहन चला है तो कैसे चाल है, विश्वास है चला है क्या भाई, दरियो कहीं हम पूरी दुबारी नहीं दे रहे हैं। पहला लोग आए थे सात समंदर नो पेलो सड वाली होड़ी में खेलता था, कहते जाता था विश्वास थी। બોલો ભાઈ ભાઈ સાંભળો ભાઈ, અત્યારે કેવું અમૃત જેવું લાગે છે, તો એક સાખી છે કે ગંગા કિનારે જળનું મૂલ્ય, ખારા રણોમાં પણ તે અમૂલ્ય, જ્યાં પ્રાણ જ્યાં ત્યાં જળ કોઈ પાય, સહસ્ત્ર મોહરો પણ સ્વલ્પ થાય, એટલે કે ગંગાના કિનારે પાણીનું મૂલ્ય ના હોય પણ રણની અંદર એક ટીપું પણ આમ અમૃત જેવું હોય, એટલે જ્યારે રણની અંદર જ્યારે એકદમ તરસ્યા હોય ને એક તે 1000 સોડા મોરો હોય ને એ આપીને પાણી લઈ લેવું ભાઈ ભાઈ સબસ્ક્રાઇબ કર દો ભાઈ, આવું જ્ઞાન ક્યાંય નહીં મળો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અપની ચેનલ કો ઓર યલો કેપ કો લાઈક કરો। ये सारी भैंसे ट्रैकिंग पे जाती हुई, पर कौन सी कहवत याद आई, आज तो बड़ी बहुत बड़ी गुजराती कहवत तो થઈ ગઈ। બોલો બોલો કોની પાછળ નહીં ભાગવાનું, બસ ટ્રેન અને લડકી જાતી હુઈ હોતી ઉસકે પીછે નહીં ભાગને કા, બસ ये है કહેવતલાલ પરિવાર વત કરણ, સમજે તને વંદન, ના સમજે તને અભિનંદન, લાઈક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકન, પ્રેસ ધ બેલ આઇકન એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ધ કરણ ભાવસર ચેનલ, ટિંગ લાઈક શેર એન્ડ